अल्लाम वरहत ला वरक आज हम बात करेंगे तीन चीज़ों से मुतल कुरान हकीम की जो एक ही जगह पर अल्लाह ताला ने एक्सप्लेन की है नंबर एक कि कुरान हकीम है क्या नंबर दो कि अगर अल्लाह किसी को पकड़ ले तो कोई छुड़ा नहीं सकता तीसरी नसीहत क्या लेनी हमें इससे तो सबसे पहले अल्लाह तरमाता है कि ये रसूल करीम का कौल है फिर अल्लाह ताली फरमाता है किसी शायर का कॉल नहीं फिर तीसरी बात फरमाता है काहिन का कॉल भी नहीं है किसी फिर अल्लाह ताला फरमाता है ये जो है आलमीन की तरफ से है यह कुरान जो है अल्लाह की तरफ से है फिर अल्लाह ताला, ताला फरमाता है कि अगर ये तुम्हारे रसूल वसल्लम इसे अपनी तरफ से घड़ लेते या अपनी तरफ से बात कह के अल्लाह की तरफ मंसूब कर देते तो अल्लाह ताला इनका दायां हाथ यानी कि राइट हैंड पकड़ लेता और इनकी गर्दन की रग काट देता और कोई अल्लाह ताला को रोकने वाला नहीं है अल्लाह ताला को इस काम से रोकने वाला कोई नहीं है मगर ये सारी बात नसीहत के लिए कही जा रही है कि परहेजगार इसे नसीहत हासिल करें कि हमें यह काम नहीं करना अल्लाह ताला तख्तलिफ मिसालें दे, दे के हमें समझाता है कि कुरने हकीम है क्या और अगर वो पकड़ ले किसी को तो कोई रोक नहीं सकता मगर बहुत कम लोग ही नसीहत हासिल करते हैं इससे तो हमें कुरान हकीम को तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहिए और बहुत सारी बातें तर्जुमे के साथ हम पढ़ेंगे तो हमारी क्लियर हो जाएंगी और तर्जुमा पढ़ें आप अपने फ़िरक़े के आलिम का जिस फ़िरक़े को आप बिलोंग करते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई झगड़ा ही नहीं होता वरना ये कहेंगे साहब उसने सही तर्जुमा नहीं किया वो कहेगा उसने सही तर्जा नहीं भाई तुम अपने फ़िरक़े के आलिम का पढ़ लो ताकि तुम्हें ये गारंटी हो जाए कि ये हमारे फिरके के आलिम ने किया है लिहाजा ये ठीक होगा चूंकि तर्जमे में किसी ने डंडी नहीं मारी है तफसीर में गड़बड़ है। तो आप तर्जुमा पढ़े अपने अपने आलिम का और जो किसी फिरक़े में ना हो वो मौलाना मोदूदी का पढ़ ले। सलामैक्म वरहल वर्कू